नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। रुदौली तहसील मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां कामाख्या के दरबार में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और पिछले कई वर्षों से देवी भक्त पैदल परिक्रमा यात्रा करते आ रहे हैं। इस वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते सरकार के आदेश पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। इन परिस्थितियों में मंदिर परिसर में ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ गया। वहीं मंदिरों के अचानक कपाट बंद के आदेश से मिष्ठान प्रसाद बिक्री करने वाले दुकानदारों का बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। लेकिन स्थिति के अनुसार मंदिरों के कपाट खुलने के बाद मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ लगने लगी है। इसी विषय में आइए बात करते हैं वहाँ के दुकानदारों से। आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं पंकज कुमार जी। सर पंकज कुमार जी, जो आप यहाँ पे दुकान किए हुए हैं, कितने वर्षों से दुकान आपकी चल रही है यहाँ पर? दुकान तो बहुत अच्छी 10 साल पहले से। 10 वर्षों से चल रही है। कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या आप लोग उनका निर्देशों का पालन करते हैं? पालन तो करते हैं। क्या क्या पालन करते हैं जी? मास्क लगाते हैं और हाथ में सैनिटाइजर करते हैं जी। जो भी आपके यहाँ मतलब खरीदने के लिए सामग्री आते हैं श्रद्धालु मंदिर परिसर में, उनके हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं और मास्क लगाते हैं जी। तो यहाँ पर कुछ दशक और दुकानदार मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि हम सैनिटाइजर रखते हैं, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते हैं और जो भी श्रद्धालु सामान खरीदने के लिए आते हैं दुकानदार के यहाँ, वो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करवाते हैं, मास्क लगाकर बैठे हुए हैं स्वयं, और श्रद्धालुओं से भी मास्क लगाने के लिए कहते हैं। डर नहीं लगता है? मास्क वगैरह नहीं लगाए मुझे? देखिए यहाँ पर काफ़ी दुकानदार मौजूद हैं, जबकि मेला प्रबंधन अध्यक्ष जी ने बताया कि लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार मास्क का प्रयोग करते हैं, कुछ दुकानदार बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संकट का भी डर है। आपका क्या नाम है भाई साहब? ये दुकान आपकी है? आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? डर क्यों नहीं? मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं? चाय पी रही। चलिए ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार मौजूद हैं, कुछ लोगों ने बताया कि मास्क लगाते हैं, कोई बैठा है, उस तरह के लोग बैठे हुए हैं। मेले में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रसाद वितरण को लेकर के सरकार की व्यवस्था? अब प्रसाद इसे दुकानदार से प्रसाद लोग लेते हैं और सामने से माता जी का दर्शन करके प्रसाद हम लोग अभी नहीं चढ़ाते। आपका क्या नाम है? ब्रज किशोर मिश्रा जी। ब्रज किशोर मिश्रा जी, यहाँ पर पुजारी ने बताया कि हम लोग सरकार के द्वारा गाइडलाइन या खाल और Thank you.
कम संख्या में लोग नहाते हैं। यदि श्रद्धालु माता रानी के दरबार में हल्की फुल्की भीड़ की संख्या में आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। मैं इस समय रदौली तहसील से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर माता कामाख्या मंदिर के दरबार में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं मंदिर परिसर की देखभाल प्रधान सुनवा शेर बहादुर सिंह के हाथों में है। यहाँ पर वो मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ सवालों के जवाब करता हूँ। यहाँ पर किस प्रकार के निर्देश एवं किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? प्रधान जी, आप मेला कमेटी संघ के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा यहाँ पर मंदिर परिसर में जो भी दुकानदार हैं या श्रद्धालु आते हैं या मंदिर कमेटी के जो पुजारी जी हैं, उनको किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? उनको दिशा निर्देश ये दिया गया, हर दुकानदारों को भी मास्क लगा करके, सैनिटाइजर रख करके, अपनी दुकान के सामने दूरी बना करके रस्सी बांध दें और गोला बना करके क्रमबद्ध जो है अपने सामान की बिक्री करें। प्रसाद वितरण को लेकर किस तरह की व्यवस्था? प्रसाद वितरण के लिए जो है पुजारी जी जो प्रसाद जा करके श्रद्धालु अपना रख देते हैं, तो मंदिर में जा करके मूर्ति टच करते हैं, अपना कोई टच करते अपना दर्शन ऐसे करते हो प्रसाद रख करके जो है चले जाते हैं। जिस ये टीन शेड के जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये किसके द्वारा और किस संस्था से किया जा रहा है? ये जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, इसका टेंडर हुआ है, हमें नहीं मालूम टेंडर किसको मिला है, उनके द्वारा कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के दर्शनार्थी जो आएंगे श्रद्धालु लोग, उनको बैठने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए ये सुविधा के लिए जो कराया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर मौजूद प्रधान जी ने बताया कि जब टीन शेड इसका निर्माण किया जा रहा है, दर्शकों के आने पर जो धूप या छांव में आते हैं, उन लोगों के बैठने की उचित प्रबंध हो, बैठ कर लोग यहाँ पर भोजन कर सके, लोग आते जाते हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम भी यहाँ पर होता है, इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जो भी दुकानदार यहाँ पर पुराने दुकानदार हैं उनके लिए गाइडलाइन है, निर्देश का पालन भी करवाते हैं, इंस्ट्रक्शन जारी किए जा रहे हैं बार बार। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये कामाख्या माता मंदिर के दरबार की हैं और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में भीड़ होती थी आम दिनों में, लेकिन इस समय कोरोना काल को लेकर लोग अभी भी डर महसूस कर रहे हैं और उस डर के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ तो हो रही है लेकिन कम संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ पर हैं श्रद्धालुओं की भीड़ है, धीरे धीरे श्रद्धालुओं के अंदर से जैसे जैसे कोरोना का डर खत्म होता जाता है वैसे वैसे मंदिर परिसर में आते हैं, अपने भक्ति भाव को लेकर और माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाकर, पुजारी के द्वारा प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है जबकि श्रद्धालुओं से प्रसाद रखवाकर मंदिर परिसर में फिर उनको प्रसाद वापस उन्हीं के हाथों में दे दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएँ कोरोना काल में चल रही हैं और यहाँ मेला संघ के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि दुकानदारों को भी निर्देश दिया जा रहा है कि वो लोग कोरोना काल में अपने मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें।